अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ये सेटअप लगा हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज फिर किसी की अफ्तारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज की अफ्तारी मेरे और साथ के नाम, क्योंकि मैंने इसको कहा कि हम लोग वैसे बनाते रहते हैं, मैंने इसको बोला कि हम तो वैसे बनाते रहते हैं, तो आज हम एक सेटअप बनाते हैं और दोनों बहन भाई जो है वो आज इफ्तारी करते हैं। कितना मज़े का लग रहा है वैसे। अच्छा जी, लगे हाथ। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा घर कितना प्यारी जगह पे है और यहाँ से कितना अच्छा व्यू होता है। ये सारी गंदम है वो ऊपर तक देखें, ये हम सब के घर हैं, चौधरी फैमिली सारे यहाँ पे रहते हैं। तो जो व्यू है वो तकरीबन थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा देसी सा है हमारे घर से। और ये सारी आप देख रहे हैं कि गंदम है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। ये गुलहार कॉलोनी है और ये सारा हमारा मोहल्ला है, कितनी खूबसूरत जगह है। और इस वक्त इफ्तारी का टाइम है इसलिए सारे लोग अपने अपने घरों में हैं। सो मैंने आज चाहत को बोला है कि हम लोग ना रोज़ अंदर इफ्तारी करते हैं, रोज़ मतलब कमरे में ही, रूम में होती है। और आउटसाइड खुले आसमान तले इफ्तारी का जो मज़ा है ना, वो यकीन करें वो कहीं पे भी नहीं है। सो ये मनीवा लोगों का घर, इसको 2-3 दिन हुए लंटर पड़े हुए, माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको रहना नसीब करे। और अभी अजान भी होने वाली है और आज मैंने बहुत स्पेशल इफ्तारी अपने लिए बनाई, इतनी स्पेशल भी नहीं है लेकिन अच्छी इफ्तारी बनाई है और काफ़ी जल्दी में बनाई है क्योंकि हमारा प्लान कुछ और था और अचानक से मैंने उसको कहा कि छोड़ो आज हम लोग अच्छी सी इफ्तारी करते हैं छत पे। अच्छा जी, तो ये है माशाल्लाह से गुलहार दस शरीफ। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, सबको पता होगा कि कितनी तो कितनी फेमस जगह है, ये सबको ही पता होगा माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पड़ोस में रहते हैं, बहुत लकी हैं हम लोग। और अभी सारे घरों के लोग अंदर घुसे हुए क्योंकि वो अफ्तारी कर रहे हैं, मुझे देख रहे होंगे ये क्या कह रही है। सो दिस इज़ द व्यू जो हमारे छत से नज़र आता है माशाल्लाह। और यहाँ अजान होगी और हम लोग इफ्तारी करेंगे। सो अभी इफ्तारी को आई थिंक थोड़ा ही टाइम रहता है तो हम दुआ कर लेते हैं जल्दी से। हाँ जी साद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे बंदे? ठीक है ना जी? लाइक कर रहे हैं वीडियो को? नहीं कर रहे हैं वीडियो को? ये लाइक कर भी रहे हैं लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर रहे, लेकिन ये व्यू कर रहे हैं वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड साथ आपने बहुत अच्छा जल्दी जल्दी सेटअप बनाया है, मुझे लगता है कि हमें किसी ने इफ्तार पार्टी पे बुलाया है और हम लोग किसी इफ्तार पार्टी पे आए हुए हैं। सो अभी हम लोग अपने दुआ कर लेते हैं, ठीक है? मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने बनाया क्या है, बहुत जल्दी में बनाया सारा कुछ। और ये है हमारे पास आस्ता है, दही बड़े हैं, वाटरमेलन तो मैंने नहीं बनाया, चावल पुलाव है और ये पता नहीं मैंने कुछ बनाया, मुझे खुद इसका नाम नहीं पता लेकिन कुछ नई डिश बनाई है। और ये मैंने कटलेट्स बनाए हैं आज थोड़े से डिफरेंट तरीके से, पकौड़े हैं, अंडेट्स हैं, छोटी सी हमारी इफ्तारी है लेकिन किन करें बहुत मज़ा आ रहा है। और इस वीडियो में मैं अपनी अम्मी जी को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि पिछले साल हम लोग साथ थे, अभी वो मदीना शरीफ में इफ्तारी कर रही हैं। सो आई नो शी इज़ लकी बट वी आर मिसिंग हर अ लॉट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा खोल लिया है एंड खजूर भी खा ली, आपको अजान भी आज गुलहार शरीफ की सुना दी है माशाल्लाह से।
और काफी अच्छा लग रहा है सच बताऊं यहाँ पे बाहर इफ्तारी करते हुए। आप लोग भी घर की छतों पे कर चले, आगे पीछे कहीं नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा सा आउटसाइड रूम से हटकर इफ्तारी करें क्योंकि सच में बड़ा मजा आता है। ये तुमने क्या लाया है? मुझे फीजी ड्रिंक्स नहीं पसंद, तुम्हें पता है ना। अब ये आपने ले लाई है ये मेरी व्लॉग में तुमने मेरी बेइज्जती करनी है। तुमने अभी कह देते कि बहन चेक कर लो आज। अच्छा ये कैसा है? अच्छा ये ट्राई करो सादी, ये मेरे एक ये कटलेस है लेकिन कसम से कितने मजे के उससे बनाए मैंने आज, लाइक डिफरेंट तरीके से। हाँ क्योंकि मेयोनीज डाला है इसके अंदर, एग है, थोड़ा चिकन है, बहुत सारी इसके अंदर एडिशन किया है। हाँ कोई और लेवल, अनदर लेवल पे चला जाता है। वैसे मजे का है ना, मुझे तो शक्ल से अच्छा लग रहा था। सो चले अभी मैं खुद भी ट्राई करती हूँ। अभी हम लोग इफ्तारी करने लगे हैं और आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें, सिर्फ इफ्तारियाँ करते रहें। रमज़ान के थोड़ा सा ही रमज़ान रह गया है, बस दुआ में याद रखें मुझे भी, एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।